हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज सुबह ही एक तगड़ी खबर यहां पर निकल के आई है, जो कि आई है लेजर की तरफ से। और यहां पर पता जा रहा है कि जो लेजर का डेटाबेस है, बेसिकली वो लीक हो गया है एक फॉरम के ऊपर। आखिरकार क्या डिटेल्स है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। और यहाँ पर यह भी बताऊँगा कि आप किस तरह प्रिकॉशंस ले सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या गलतियाँ नहीं करना है, और क्या आपका यहाँ पर जो फंड है वो सेफ है या फिर नहीं है। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डेटा यहाँ पे नहीं। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आई है आज सुबह, आपको सभी न्यूज़ आर्टिकल्स पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आया हुआ है कि हैक लेजर डेटाबेस डंप ऑन रेड फोरम। इसका मतलब ये है कि जो लेजर का डेटाबेस हैक हुआ था, बेसिकली ये हैक हुआ था जून के अंदर, वो दोस्तों किसी ने यहाँ पे पब्लिकली कर दिया है रेडिट फॉर्म के ऊपर। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका फिजिकल एड्रेस, आपका नाम, फ़ोन नंबर, लीगल कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल आती हैं। अगर इस मेल के हिसाब से या फिर इस ट्विटर के हिसाब से माने तो करीबन करीबन 1 मिलियन ईमेल एड्रेसेस हैं, और करीबन करीबन यहाँ पे 250 या फिर हम कह सकते हैं 250,000 यहाँ पे फिजिकल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लीक हुए हैं। अब इसमें देखो, उन लोगों को ज़्यादा घबराने वाली बात है जिन लोगों ने डायरेक्ट लेजर से अप्लाई करा था इस चीज़ के लिए, क्योंकि लेजर की वेबसाइट जो उनकी ई कॉमर्स है वहाँ से डेटाबेस लीक हुआ है। जिन लोगों ने इंडिया में अगर ईथरबीट या उससे करा होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईथरबीट के पास आपका सारा डेटा है, जो भी एड्रेस और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो बेसिकली अब इससे हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो मैं इससे बता दूँ, आपके फंड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आखिरकार लेजर वर्क कैसे करता है, तो उसको मैं समझाता हूँ। पर उससे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लीक हुई हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी प्राइवेट की, रिकवरी की या कुछ भी ऐसी चीज़ लीक नहीं हुई जो कि आपके फंड को यहाँ पर इफेक्ट कर सकें। यहाँ पर जो चीज़ें सिर्फ लीक हुई हैं वो आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेसेस और ये सारी चीज़ें, जो कि वेबसाइट के बग के कारण हो सकता है, जो कि ईपे के थ्रू यहाँ पे हुआ है। अब ये समझते हैं कि आखिरकार हमारा जो लेजर वॉलेट है वहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे करता है, फिर वर्क कैसे करता है, और आपका फंड यहाँ पे क्या सिक्योर होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मान लो ये आपका एक लेजर डिवाइस है, ठीक है, जो आपने बाय करा, चाहे एस हो, एक्स हो या कोई अदर यहाँ पे हो सकता है, या फिर इवन दैट यहाँ पे ट्रेजर वॉलेट ही क्यों ना हो। इनके अंदर दोस्तों लगी होती है एक सिक्योरिटी चिप। ये जो सिक्योरिटी चिप होती है, ये आपकी जो प्राइवेट कीज होती हैं उसको यहाँ पर होल्ड करती हैं, यानी कि इसके अंदर आपकी प्राइवेट की होती है, जो कि होती है यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। यानी कि अगर मान लो आपकी प्राइवेट की है एक्स वाई जेड, तो वो यहाँ पे होगी 0101 इस फॉर्म में। तो उसको किसी के लिए भी डिकोड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जब तक उसके पास फिजिकली आपका डिवाइस ना हो और वो अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके उसमें कुछ आड़े तिरछे काम ना करे। अब ये जो दोस्तों लेजर वॉलेट होता है, इसकी प्राइवेट की आपके पास है, तो ये कहीं और जाने वाली नहीं है, जब तक आप कोई बग नहीं आ जाए या फिर कोई ऐसा ना आ जाए जो इसको डिक्रिप्ट कर सके, तो आपको उससे यहाँ पे बचना है। अब ये जो लेजर वॉलेट है, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों ऐप्स डलते हैं, जैसे अगर आपको बिटकॉइन की चेन चाहिए, इथेरियम की चेन चाहिए, तो इनके ऐप्स इसके अंदर डालने पड़ते हैं, जो कि इसके मैनेजर से डलते हैं। मैंने इस पर वीडियोज बनाई है, आप कैसे डाल सकते हो वो आप चेक कर सकते हो। ये जितने भी दोस्तों ऐप होते हैं, ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं आपकी ब्लॉकचेन से जाकर, यानी कि जितना भी आपका जो फंड होता है ना, वो कभी भी आपके लेजर डिवाइस या आपके चिप के अंदर स्टोर नहीं होता है, सारा के सारा फंड आपका स्टोर होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और आप सभी को पता है कि ब्लॉकचेन क्योंकि डिसेंट्रलाइज होती है, किसी भी एक सर्वर पे तो होती नहीं है, बहुत सारे सर्वर हैं और वो भी यहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। तो जैसे मान लो आपके पास बिटकॉइन का ऐप है, आपने बिटकॉइन यहाँ पे सेंड करा या रिसीव करा, तो यहाँ पे आएगा, जैसे रवि ने यहाँ पे डिपॉजिट करा 0.1 बिटकॉइन, शाम ने यहाँ पे विड्रॉल करा 0.1 बिटकॉइन, अब उसके पास 0.5 बिटकॉइन यहाँ पे रिमेनिंग है। तो ये जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं, ये बेसिकली होती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन जो है वो हमारा एक सर्वर है, आप इसको सर्वर यहाँ पे मान सकते हो, ये एक सर्वर है जहाँ पे कि आपकी सारी एंट्री हो रही है, यानी कि आपका जो फंड है वो एक्चुअल में इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है, जो कि ब्लॉकचेन है। यहाँ पे आपका जो वॉलेट और ये जो ऐप्स है, ये सिर्फ आपको कनेक्टिविटी का काम प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। तो आपका जो फंड है वो आपके लेजर वॉलेट में नहीं होता, वो एक्चुअल में ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होता है। और जब आप लेजर वॉलेट के थ्रू, अपने ऐप के थ्रू ब्लॉकचेन से कनेक्ट करते हो, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, तब जाके आपका फंड लेजर में शो होता है, और जब आप उसको रिक्वेस्ट देते हो सेंड या फिर रिसीव करने की, तब जाके ही आपका फंड वहाँ पर मूव होता है। अब इसको अगर आपको समझना, तो एकदम छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लो ये आपका एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल है, जिसके जो भी आपने बाय करा, कोई भी कंपनी का हो सकता है। यहां पे मान लो फेसबुक का ऐप चला रहे हो, ट्विटर का चला रहे हो, जीमेल का चला रहे हो, तो आप फेसबुक, ट्विटर, इसमें क्या करते हो, आप सिर्फ एक लॉग इन आई डी देते हो और एक पासवर्ड देते हो। ये जो लॉग इन आई डी और पासवर्ड है, ये आपको याद है या फिर आप सेव कर लेते हो। तो मान लेते कि आपका जो मेमोरी है या आपका जो ब्रेन है, वो बेसिकली मान लो ये चिप हो गया, सिक्योरिटी चिप हो गया, जैसे लेजर के अंदर है। तो यहां पर आपने वो आई डी पासवर्ड दिया, तो डायरेक्टली फेसबुक क्या करता है, अपने सर्वर से आके कनेक्ट करेगा,
करेगा, ट्विटर अपने सर्वर से आके कनेक्ट करेगा, जीमेल अपने सर्वर से आके कनेक्ट करेगा और सर्वर पे आपकी फोटोज स्टोर होंगी, सर्वर पे आपका डेटा स्टोर होगा, यानी कि जो भी काम है वो सर्वर पे हो रहा है, यानी कि जो सर्वर है वो इंपॉर्टेंट है, फेसबुक नहीं है। अगर मान लो कल को आपका मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, टूट गया, फूट गया, तो क्या आपका फेसबुक अकाउंट चले जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फेसबुक का डाटा उसके सर्वर पे रखा है, ट्विटर का उसके सर्वर पे, जीमेल का उसके सर्वर पे, यानी कि आपको सिर्फ उसको एक्सेस करना है। आप एक नया मोबाइल खरीदोगे, वापस से फेसबुक ऐप इंस्टॉल करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, आप कनेक्ट हो जाओगे। सेम तरीके से लेजर में होता है। तो लेजर के अंदर आपका जो फंड है वो बेसिकली ब्लॉकचेन पे रखा है। अगर मान लो आपका लेजर टूट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाता है इसको, तो आप एक नया लेजर ले सकते हो। उस नए लेजर के अंदर जैसे आप 24 सीड वर्ड डालोगे उसके अंदर, वो आपकी जो सिक्योरिटी चिप है उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपका जो डेटाबेस है उसको वो सिंक्रोनाइज यहां पे कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। तो अगर यहां पे लेजर का जो डेटाबेस अभी हैक हुआ है, जिसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेसेस और ये सारी चीजें, तो उससे आपको फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके फंड बिल्कुल सिक्योर है क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन या जो भी कॉइन आप वहां पे यूज कर रहे हो। अब यहां पे बात आती है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो देखो, ये जितना भी यहां पे बीचिंग हुआ या फिर हम कह सकते हैं जो आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस है, तो इससे जो स्कैमर्स है वो क्या करेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे लेजर कंपनी के नाम से। आपको वो ईमेल ऐसा लगेगा जैसे लेजर की तरफ से आया है, बट वो लेजर की तरफ से नहीं होगा। और वो आपको ये चीज़ बोलेंगे कि आपका जो डेटा है वो बेसिकली लीक हो गया है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे केवाईसी कर लो। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आप वॉलेट में कोई भी केवाईसी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वॉलेट आपके पास रखा, जैसा आपका स्मार्टफोन आपके पास है, और बाद में आपको कोई कंपनी मोबाइल ब्रांड क्या कि ये नहीं बोलेगी कि आपने केवाईसी नहीं करी तो आपका जो मोबाइल है वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से लेजर के अंदर कोई केवाईसी नहीं होती है, तो आपको इस तरह के कोई भी मेल आता है वो फिशिंग मेल है, क्योंकि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके लेजर के आसपास या आपके सिस्टम के अंदर एक मैलिशियस ऐप को इंस्टॉल कर दिया जाएगा और वो आपकी ब्लॉकचेन को सिंक्रोनाइज करके आपका फंड यहाँ पे चुरा सकता है। दूसरा, यही चीज आपके मोबाइल नंबर के साथ हो सकती है। हो सकता है लेजर से आपको कोई मैसेज आए कि आपका डेटा ब्रीच हो गया है, केवाईसी कर लो, या फिर हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि हम आपका डेटा सेव कर दें, आपका कितना फंड है, क्या है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर लेजर को कुछ भी बोलना होगा वो उनके ऑफिशियल ट्विटर पेज पे बोलेंगे। आप उनके ऑफिशियल ट्विटर पेज पे जाओ, उसको फॉलो कर लो, नहीं कर सकते तो मेरे ट्विटर को फॉलो कर लो, वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर हम लोग जो आपको अपडेट दें आप उससे यहाँ पे अपडेटेड रह सकते। तो बस दोस्तों यही सारी चीजें थी। तो आपको प्रिकॉशन ये लेना है, कोई भी अगर मेल आता है उसको पहले पूरी तरीके से जांचो, पर को नहीं समझ आता तो उसका स्क्रीनशॉट लो और ट्विटर के ऊपर टैग करो लेजर को और बाकी लोगों को, वो लोग अगर वेरीफाई कर देते हैं तो ही आगे बढ़ो, बिल्कुल भी इस प्रोसेस में मत जाओ। और हाँ, एक कस्टमर सपोर्ट का बहुत गंदा यहाँ पे खेल चलता है। वो ट्विटर पर आपको कोई भी मैसेज करेगा, ऊपर लेजर कस्टमर सपोर्ट लिखा रहेगा, वो आगे बोलेगा कि आपका ऐसा डेटा ब्रीच हुआ है, ये हुआ है, हम आपकी ये हेल्प कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना है तो आपको मेल के थ्रू करेंगे, वो भी कैसे, जब आप लेजर की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक सपोर्ट का बटन होता है, उस पर आपको क्लिक करके पूरा फॉर्म भरना होता है और वो फॉर्म के थ्रू ही यहाँ पे चीज़ें आती हैं। हो सकेगा तो मैं मेल आईडी यहाँ पे डाल दूंगा, आप चेक कर लो, ये मेल आईडी की ओरिजिनल है, एक एक वर्ड चेक कर लो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो आई होप दिस वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, समझ आएगा कि आखिरकार लेजर वर्क कैसे करता है और आपका फंड कैसे सिक्योर रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।